हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन वन अ ट्रिप ऑफ सर्जरी क्लास टेंथ फ्रॉम फुट प्रिंट विदाउट फीट बुक सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड लेट्स स्टार्ट नाउ आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था आई हैड माई कार वेन आई सॉ हेम इन द्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज सॉक्ट एट हिस्सेंस मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया उसकी जो आकृति थी उसको देख कर मुझे परेशानी हुई मैं सॉक्ट हो गया ही हैड बिकम ह्यूजली फैट वो बहुत ही मोटा हो गया था लाइक अब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोने में एक एक टांग लगा दी गई हो हिज आईज ब्लड सॉट एंड रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि खून की तरह लाल बहती हुई थीं। उसने सीधे आगे देखा उसकी जीव उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी मिसिस मिस्टर हैरियोट ही सीम टू हैव नो एनर्जी मिसेस पम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया वो इतना ढीला ढाला हो गया था मिस्टर हैरियट ऐसा लगता था आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलूशन ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी ठीक है माल न्यूट्रिशंस मीन होता है बिल्कुल भी एक तरह से उसके अंदर कुपोषण आ गया था इस तरह से लग रहा था सो आई हैिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू विल्ड हेम अप माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अबल ऑफ हॉलिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली मैंने सोचा वो सच में ही क्या हो गया हो कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गया है इसलिए मैं उसे दो भोजन के बीच कुछ और चीज़ें भी दे रही हूँ ताकि वो मतलब मजबूत हो जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए और कुछ माल्ट तथा कुछ कॉड मछली का तेल जो कि कॉर्ड लिवर ऑयल मछली का तेल होता है रात को हॉर्लिक्स का एक प्याला और उसे नींद आ जाए इसलिए मैं ये सब चीजें देती हूँ कोई अधिक चीजें तो नहीं दे रही हूँ बस इतना ही दे रही हूँ नथिंग मच रियली और ज्यादा नहीं कुछ दे रही मैं उसको एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू और क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीजें कम कर दी हैं ओ, आई डिड फॉर अवेट बट ही सीम टू बी सो बीक आई हैड टू रिलेंट ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कॉन्ट वियर टू रिफ्यूज हिम ओ मैंने कुछ किया तो पर वो इतना कमजोर दिखाई दिया कि मुझे ढील देनी पड़ी उसे क्रीम केक पसंद है चॉकलेट भी पसंद है मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकती आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग that was the trouble tricky's only fault was greed he had never been known to refuse food he would tackle a meal at any hour of the day or night and i wondered about all the things mrs pomfrey hadn't mentioned मैंने उस छोटे से कुत्ते को दोबारा ध्यान से देखा उसकी परेशानी या बीमारी मेरी समझ में आ गई ट्रिकी की एक ही गलती थी उसका एक तरह से लोभ जो वो लालच करता था वो कभी भी खाने की चीज से इनकार नहीं करता था वो दिन या रात किसी भी घंटे में खाना खा सकता था और मुझे हैरानी थी कि जो हैं उसे क्या क्या और चीजें खाने को दे रही थी आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज क्या आप उसे एक्सरसाइज करवाती हैं वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी वट हॉकिंग गार्डनर हैज बीन डाउन विद लुम्बेगो सो देर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग और वो मेरे साथ ही मतलब क्या करता है वेल ही हैज लिटिल वॉक्स वो मेरे साथ ही थोड़ी सी सैर कर लेता है घूम लेता है एंड यू कैन सी इस चीज को आप देख ही रहे हो वट हॉडकिन uh, जो हॉडकिन है जो माली है गार्डन हॉर्डकिन उसको क्या हो गया है? बीन डाउन लुंबैगो। लुंबैगो मींस होता है है, होता बैक पेन। ठीक नीचे कमर में दर्द तो उसके कमर में दर्द है इस वजह से कुछ दिनों से जो ट्रिकी है ठीक है ट्रिकी को वो रिंग थ्रोइंग नहीं करा पा रहा है रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा आई ट्राई टू साउंड नाउ आई रियली mean दिस इफ़ यू डोंट कट his फूड राइट डाउन एंड गिव him मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल मैंने बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखाई कठोर होकर कहा कि अब मेरी सुनिए यदि आप उसकी जो भी डाइट है उसको कम नहीं करती या फिर उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती तो वो सचमुच ही रियली बीमार हो जाएगा यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट आप अपने मन को बहुत ज्यादा सख्त बनाओ और ये जो डॉग है इसको जो भी स्ट्रिक्ट डाइट है इसकी ठीक है बंधी हुई जो खुराक है वही खिलाइए मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स ऑन ओह आई विल मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट वट इट इज सो डिफिकल्ट सो वेरी डिफिकल्ट सी सेट ऑफ डाउन द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू इन टू प्रैक्टिस इमिजिएटली जो मिसिज पंफरे थी उन्होंने अपना हाथ मला ठीक है रंग मींस होता है ट्विस्टेड करना मरोड़ना हाथों को थोड़ा रब किया हाथों को मला फिर बोला ओह आई विल मैं जरूर करूंगी मिस्टर हैरियट और आई एम श्योर यू आर राइट शायद आप ठीक कह रहे हैं बट इट इज सो डिफिकल्ट लेकिन ये बहुत ज्यादा कठिन है सो वेरी डिफिकल्ट बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है सी सेट ऑफ है डाउन और वो से नीचा करके सड़क पर आगे की तरफ बढ़ गई एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इन टू प्रैक्टिस इमिजिएटली मानो उन्होंने तुरंत ही जो भी बताया गया था कि उसको जो डॉग है उसको सीमित खुराक देनी है और उसको एक्सरसाइज करानी है वो उस चीज के लिए जैसे इमीडिएटली तैयार हो गई हूँ इस तरह से वो आगे बढ़ गई आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न ट्रिकी वॉज टॉटरिंग एलोंग इन हिज लिटिल ट्रीड कोट ही हैड अ होल वारो ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग ड्रोपिंग इन हिस्स हार्डनेस आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफरे मैंने आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा ट्रिकी एक छोटा ट्विड कोट पहने मतलब अजीब तरह से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था उसकी जो अलमारी थी वार्ड उसमें बहुत तरह के कोट थे वो कोट से भरी हुई थी जिसमें ठंडे कोट मतलब जो मौसम के अकॉर्डिंग जैसे ठंडा मौसम है तो उसमें ठंडे कोट पहने जाएंगे गर्म करने के लिए तो वो कोट भी थे रेन कोट भी थे जो बरसाती कोट होते हैं वो भी थे बरसात के दिनों में पहनने के लिए इस तरह के सारे उसके वार्ड में कोट्स भरे हुए थे ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस वो मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था वो चल ही नहीं पा रहा था अपनी मतलब उसका जो शरीर था वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया था इसलिए वो झुका हुआ सा चल रहा था आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेर फ्रॉम मिस्टर पम्फरे मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फरे मुझे ट्रिकी के बारे में कोई बुरी समाचार सुनाएगी या फिर बुरी खबर देंगी द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट ट्रिकी वुड ईट नथिंग और मतलब फिर आई द एक्सपेक्टेड कॉल केम मेरे पास एक एक्सपेक्टेड कॉल आई जो मैंने सोचा था उन दिनों में ही आ गई विद इन अ फ्यू डेज और जो मिसिस पम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी डिस्ट्रॉक्ट थी बहुत ज़्यादा मतलब इतना डिस्टॉर्ट थी कि अप डिस्टॉर्ट मींस होते हैं अपसेट या एक्सट्रीमली बैरिड बहुत ज्यादा चिंतित चिंतित थी चिंता में थी ट्रिकी वुड ईट नथिंग कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड ही हैड अबाउट्स ऑफ वोमिटिंग वो अपनी जो भी उसके खाने की चीजें हैं उनको भी नहीं खाता था और इसके अलावा उसे उल्टियां भी होने लगी थी वोमिटिंग होने लगी थी उसे ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक डिडंट वांट टू डू एनीथिंग वो सारा समय एक गलीचे पर बिताता था जो उसके लिए एक रग बनाया गया था उस पे और हांफता रहता था उसे घूमने जाने के लिए भी इच्छा नहीं होती थी वो घूमने जाना भी पसंद नहीं करता था कुछ भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस दू गेट of आउट ऑफ द हाउस period. मैंने पहले से ही अपना प्लान बना रखा था कि एक ही उपाय था को कुछ टाइम के लिए घर से दूर कर दिया जाए kept दैट observation. मैंने सुझाव दिया कि उसे एक कहाँ रखा जाए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नजर रखी जा सके वो ऑब्जर्वेशन में रहे द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विंट सी वॉज श्योर ही डाई इफ ही नॉट सी हर एवरी डे बेचारी जो महिला थी जो लेडी थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्विन वो क्या हो गई मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गई इस चीज को सुनकर सी वॉज श्योर और वो सोचती थी कि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा उसको ये फील हो रहा था बट आई टुक अ फर्म लाइन ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिज पम्फ्रेस बिलेंग व I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से फर्म होकर सख्ती से काम लिया क्योंकि बहुत बीमार था और यही उसका मतलब उसकी जो जान थी उसको बचा बचा सकता था यही एक रास्ता था वास्तव में मैंने सोचा कि उसे अभी मतलब जाना चाहिए मतलब अभी जाने में थोड़ा सा हम डिले करें कि थोड़ा लेट लेके जाएं उसे लेकिन मिसेस पम्फ्रे की जो परेशानी थी जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी उनकी परेशानी के बावजूद भी मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड रोस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिस्स हिज नाइट बैड फेवरेट एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, 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 लंच रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे और बाद में क्या हुआ कि जो भी द एंटायर स्टाफ जो भी सारे नौकर चाकर मतलब जो भी थे रोस्ट एंड मेड रोस्ट बहुत ही ज़्यादा प्राउस है बिकम एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए इस चीज़ को देख कर इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड उसने उसके दिन का जो भी आ, सब कुछ पूरा था जैसे कि रात का हिज नाइट बैड रात का जो बैड था उसका या फिर दिन का बैड लगाना था फेवरेट कुसन उसका जो भी उसकी गद्दियाँ थी टॉयज एंड रबर रिंग्स खिलौने रबर की रिंग ब्रेकफास्ट बाउल उसके नाश्ते का जो प्याला था और लंच बाउल और उसके बाद सपर वाउल जो रात को वो खाना खाता था वो सारी चीज़ें मतलब ले आए जो वहाँ के एंटायर स्टाफ था वो सारी चीज़ें ले आए रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ लेकिन मेरी जो गाड़ी थी वो जब मैंने स्टार्ट की जैसे ही मैं आगे बढ़ा मिसेस पम्फरे जो मिसेस पम्फरे थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई एकदम से परेशान हो गई थी वो जब ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की एज आई मूव्ड ऑफ मिस पम्फ्रे, बेदा अ डिस्पेयरिंग क्राइम वो बहुत रोती हुई सील नजर आ रही थी थ्रो एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो उन्होंने ढेर सारे छोटे-छोटे कोट खिड़की से फेंक दिए आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टियर्स मैंने कार के शीशे में मतलब मोड़ पर घूमने के समय जब मैं उसको गाड़ी को टर्न कर रहा था उस टाइम मैंने उस कॉर्नर से देखा कि जो भी था एवरीबडी वॉज इन टीयर्स हर व्यक्ति रो रहा था आउट ऑन द रोड आई ग्लैस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैसपिंग ऑन द सीट बाय माई साइड और उसके बाद रोड पर आकर मैंने उस जो लिटिल एनिमल था बहुत ज्यादा मतलब पैथेटिक लिटिल एनिमल था दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो कि मेरे पास की सीट पर हांफता हुआ बैठा था आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बैग हिज टेल मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश की पुअर ओल्ड लेड बेचारा आई सेड मैंने कहा यू आई नो अ क्योर फॉर यू तुम्हारे अंदर अब क्या नहीं है चुस्ती नहीं है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और पर मैं इसका मतलब क्या कर सकता हूँ क्योर कर सकता हूँ इसका उपाय ढूंढ सकता हूं जो ट्रीटमेंट है क्योर मीन्स ट्रीटमेंट इलाज जानता हूं कि इसका अब इलाज क्या है एट सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी ट्रिकी लुक डाउन एट दैक विद डल आईज एंड डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम पर जो उसका मतलब पशु चिकित्सालय था उसमें पालतू कुत्ते जो थे तो वो उसके उसको उसने चारों ओर से घेर लिया ट्रिकी ने इस शोर करते हुए जो भी एक ग्रुप था जो बहुत शोर कर रहा था ग्रुप बना हुआ था, पैक था उसको हल्की निगाह से देखा और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वो जो वहां पे बिछा हुआ था कारपेट उस पर लेट गया द अदर डॉग और जो दूसरे कुत्ते थे वो आफ्टर स्नीफिंग राउंड उसको सूंघ रहे थे चारों ओर उसके घूम रहे थे फिर उन्होंने सोच लिया कि ये जो कुत्ता है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है मतलब अन इंटरेस्टिंग है इसमें उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई उन्होंने तो उन्होंने उसकी ओर से ध्यान भी हटा लिया उसको इग्नोर कर दिया जो अदर डॉग्स थे आई मेड अप अ बैड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स सेलेक्ट और मैंने क्या किया फिर मैंने उसके लिए एक गम बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया जो एक गर्म बॉक्स था उसमें उसका बिस्तर लगा दिया और ये डिब्बा जो था डब्बा जो दूसरे कुत्ते थे कुत्ते जो सोते थे ना उस, उस जगह से मतलब उसकी जगह के पास में ही था फॉर टू डेज आई कैप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर दो दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया बस पीने को पानी दिया एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू सो इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही विगेन टू भिम्पर वेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड दिमपर मीन्स होता है क्राई विद अ लो विन ओके हल्के हल्के आवाज में बच्चों की तरह रोना तो उसके बाद क्या हुआ जब उसने खूब पानी दिया पीने को तो दूसरे दिन जब बीतने पर था तो ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में कुछ इंटरेस्ट दिखाया इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन जब उसने आंगन में जो भी सराउंडिंग्स थी वहां पर तो वहां पर कुत्तों के कुत्तों को भोंगते हुए सुना तो वो भी हल्की सी आवाज में मतलब तो हल्का हल्का सा साउंड करने लगा एक तरह से भिम्पर करने लगा क्राइविदा लोविन मतलब हल्की हल्की आवाज में चिल्लाने लगा वेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉस इमीडिएटली एंग जो द्री हाउंड ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स स्मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट और उसके बाद क्या हुआ उस दिन शाम को ही व्हेन आई ओपन द डोर जब मैंने आ, क्या किया दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया लेकिन उसे जॉय और उसके साथियों ने घेर लिया और उसके बाद उसे गिरा कर क्या करने लगे आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोड़ा ली उसको गिरा कर उन्होंने लुढकाया खूब इधर उधर पूरी तरह से और उसका क्या किया एक तरह से जो इंस्पेक्टिंग करते हैं ना निरीक्षण वो करना शुरू कर दिया द डॉग मूव ऑफ डाउन द गार्डन और फिर जो कुत्ते थे वो बगीचे में चले गए ट्रिकी फॉलोड दैम ट्रिकी ने उनका पीछा किया रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट और वो अपनी मतलब उसके ऊपर बहुत सारी चर्बी थी ना उसकी वजह से वो धीरे धीरे चल पा रहा था लेटर That day, I was present at feeding time. I watched while Tristan sloped the food into the bowl. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मैं क्या कर रहा था कुत्तों को खाना खिलाने के समय वहीं पर था उसी जगह पर था प्रजेंट था मैं देखता रहा जबकि जो ट्रिस्टन ने क्या करा जो भी कटोरों थे कटोरों में जो खाना रखा हुआ था चीज डाली मैंने खाने की आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इन टू बाउल्स बाउल्स में जब डाला तो देर वॉज द यूज हेड लॉ रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग जैसे हमेशा ही होता था कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़ते थे शोर करते रहे हर कुत्ता जानता था कि वो अगर मतलब जो उसके दूसरे साथी हैं उनसे पीछे रह गया तो उसे खाना नहीं मिलेगा इस तरह से सब उस पर टूट जाते थे सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील और सभी में कंपटीशन रहता था सामान मतलब एक तरह से कंपटीशन ही चलता था खाने को लेकर उनको खाने को लेकर कॉम्पिटिशन करना पड़ता था कि अगर उसको नहीं मिला तो कोई और डॉग खा जाएगा सो रिमेनिंग पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस वेल आइकन। थैंक यू